गिरिडीह संघ कार्यालय में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जिला बैठक जिला अध्यक्ष राम किशोर सरन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसका संचालन जिला मंत्री निरंजन कुमार ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए मनोज चंद्रवंशी सरीक हुए। कार्यक्रम में 15 जुलाई से चल रहे संगठन विस्तार पर विशेष चर्चा किया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि आगामी 15 अगस्त तक चलने वाले संगठन विस्तार में प्रत्येक पंचायत स्तर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल समिति का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। साथ ही आगामी 11 अगस्त को रक्षाबंधन में दुर्गा वाहिनी एवं मातृ शक्ति की माताएं बहनें सफाई कर्मी स्वास्थ्य कर्मी पुलिस प्रशासन सेना एवं कोविड-19 के समय फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में कार्य करने वाले लोगों को रक्षा सूत्र बांधकर बधाई देगी। वहीं प्रत्येक वर्ष की भांति 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, जो प्रत्येक प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर मनाया जाएगा। साथ ही 18 अगस्त से 24 अगस्त तक विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जो जिला एवं प्रखंड के साथ ही प्रत्येक पंचायत में मनाया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से अजय कुमार वर्मा, धर्म प्रसाद, अनूप यादव, प्रदीप भगत, कोलेश्वर टुड्डू, देवीलाल मुर्मू, रितेश पांडे, रविशंकर पांडे, सीताराम हिंदू, भरत साहू, ईश्वर पंडित, रविंद्र स्वर्णकार, विकास कुमार, कुंदन केसरी, पुरुषोत्तम कुमार, कृष्ण कुमार स्वर्णकार, पीयूष कुमार समेत काफी संख्या में विहिप बजरंग दल कार्यकर्ता उपस्थित थे। आप गिरिडीह के नए पालक बने हैं, आप किस प्रकार संगठन का हैं? जी हाँ, मैं अजय कुमार वर्मा गिरिडीह पालक और विभाग के दायित्व में भी हूँ। अभी प्रांतीय बैठक लोहरदगा में अपनी बैठक हुई, जिसमें नया गिरिडीह पालक बनाया गया। मुझे पूरे गिरिडीह जिला के सभी प्रखंड में तो कार्यकर्ता हैं ही, समिति हैं ही, पूरे पंचायतों में और खंड उपखंड स्तर तक मैंने गांव स्तर तक की पूरे कार्यकर्ताओं के सहयोग से मुझे पूर्ण समिति बनानी है, ये मेरी संकल्प है। इस गिरिडीह जिला के आज जिला बैठक संपन्न हुआ, ये पूरे प्रांत में जिला बैठक संपन्न हो रहा है और अभी लोहरदगा हमारी बैठक प्रांत की बैठक संपन्न हुई है, इसी में जिला बैठक का तिथि तय हुआ, उसी निमित्त आज जिला बैठक संपन्न हुआ। इसमें मुख्य रूप से संगठन विस्तार का कार्यक्रम पर चर्चा हुआ है और पूरे प्रखंड गिरिडीह जिला के 14 प्रखंड में और सारे पंचायत में समिति निर्माण का निर्णय लिया गया, जिसके लिए प्रखंड पालक की नियुक्ति की गई है। प्रखंड पालक अपने प्रखंड में जा कर के प्रखंड के जो है सो सूची को बनाएंगे, प्रखंड की समिति को पूर्ण करेंगे, उसके साथ साथ पंचायत समिति को भी बनाना है और पंचायत समिति के लिए भी पालक की नियुक्ति होगी और संगठन विस्तार के साथ साथ हमारा अभी 3 कार्यक्रम पर मुख्य फोकस किया गया है, जिसमें पहला कार्यक्रम 11 अगस्त को रक्षाबंधन का कार्यक्रम है, जिसमें दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति के बहनों के द्वारा हम सफाई कर्मी स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा कर्मी के लोगों के बीच जा कर के हमारे बने उसमें बजरंग दल विष्णु परिषद का सहयोग रहेगा, वो जाकर रक्षाबंधन का कार्यक्रम करेंगे, रक्षा सूत्र बांधेंगे। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम अपना है अखंड भारत संकल्प दिवस। हम 14 अगस्त को हर साल अखंड भारत संकल्प दिवस मनाते हैं, उस दिन हम ये कि हम संकल्प लेते हैं कि भारत को हम अखंड बनाने का हम संकल्प लेते हैं।